अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं कहानी आंटी सानिया और मैं आपको सुनाती हूं कहानियां अपने दोस्तों के बारे में। ये जो मेरे दो दोस्त हैं, जब भी मैं इनसे कहती थी कि अरे भाई, एक तो मेरी बात सुनते नहीं थे, मेरी क्या, वो तो किसी की भी बात नहीं सुनते थे, लेकिन ऐसे क्यों बताऊं, इतनी ज़बरदस्त कहानी लिखी है ज़हरा नासिर और मरियम शाह ने, और मुसव्विर हैं जिसके फैज़ान अहमद और मुतरजम है ज़ारा शमीम खान, उनकी कहानी ही क्यों ना सुना दूँ आपको। सैफ एक गुल्लक। सैफ चचा हिरा और अजहर के लिए एक तोहफा लाए। ये एक नन्ना मुन्ना गोल मटोल सा मटका था। ये गुल्लक है, चचा ने कहा, तुम दोनों अपने बचे हुए पैसों को इसमें जमा कर सकते हो। ये तो बहुत उम्दा ख्याल है, अम्मी बोली। मैं इस बात का ख्याल रखूंगी कि बच्चे हर रोज कुछ ना कुछ पैसे बचा लें। ये कैसा तोहफा है, हमारे पास तो कभी इतने पैसे होते ही नहीं हैं कि हम उन्हें गुल्लक में डाल सकें, हीरा और अजहर ने सोचा। जब बच्चे स्कूल से वापस आते तो अम्मी हर रोज़ उनसे पूछती, क्या आज तुम दोनों ने पैसे बचाए? सिर्फ 2 रुपए, अजहर ने कहा, मैं इसे एक टॉफ़ी खरीदूंगा। नहीं नहीं नहीं, इसे अपने गुल्लक में डालो। लेकिन ये तो सिर्फ 2 रुपए हैं, अजहर ने मुंह बसूरते हुए वो पैसे गुल्लक में डाल दिए। और इसी तरह हर रोज बच्चे अपने बचे हुए पैसे गुल्लक में डालने लगे। एक दिन हिरा और अजहर बाजार से गुजर रहे थे कि अचानक उनकी नजर जूतों की एक जोड़ी पर पड़ी। कितने खूबसूरत जूते हैं, हिरा ने कहा, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे अब बस यही चाहिए। ओहो, लेकिन इनकी कीमत तो देखो हिरा, अजहर ने हैरत और परेशानी से कहा। जूते थे तो बहुत खूबसूरत, लेकिन वो उन्हें खरीद नहीं सकते थे। और इसी सोच ने दोनों बच्चों को अफसरदा कर दिया। फिर यकदम अजहर खुशी से उछला, मेरे ख्याल में मुझे मालूम है कि हमें इतने पैसे कहाँ से मिल सकते हैं। क्या, ओहो, वो अजीब सा गुल्लक, उसमें तो हमने सिर्फ कुछ ही सिक्के डाले थे, इन जूतों के लिए वो पैसे कभी भी पूरे नहीं पड़ेंगे, हीरा पूरे यकीन से बोली। कोशिश करने में क्या हर्ज है, अजहर ने पुरमीद अंदाज में कहा। जब उन्होंने गुल्लक तोड़ा तो उसमें से पैसों का एक ढेर निकला। बच्चों ने बेकरारी से सिक्कों को गिनना शुरू किया। क्या आप बूझ सकते हैं कि इन छोटे छोटे सिक्कों के कितने पैसे बन चुके थे? नहीं, उन्हें भी यकीन नहीं आया कि उन्होंने पूरे 200 रुपए जमा कर लिए थे। आखिरकार बच्चों ने उन पैसों से नए जूते भी खरीद लिए और साथ में एक एक आइसक्रीम भी। कैसा, मैं भी तो यही कहती थी, मेरी बात सुनते नहीं थे, लेकिन चलिए, आखिर में जब सब अच्छा हो तो अच्छा ही है।